हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बेचने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो पहले हम बेचने की स्थिति में लिख लेंगे कि हमारा जो विक्रय मूल्य था वो 240 रुपए था। हानि हमें कितने की हुई, हानि हमारी 20% की हुई। अब इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100 ही रहता है। अगर हमारा क्रय मूल्य हानि में है तो हम इसे माइनस करेंगे, और यहाँ पे अगर लाभ होता तो हम प्लस कर देते। अब इसका जो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, इसका 20% का कि क्या आएगा। ये 100 होता है। अगर इसमें लाभ होता तो हम प्लस कर देते, लेकिन इसमें हानि पूछी गई है तो हम इसे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमें 80% इसमें हानि होती है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसको आसानी से निकालने के लिए हम पहले इसका जो सूत्र है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य इंटू 100, और जो हमारी हानि हुई थी वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हानि मेंशन कर देते हैं, और यहाँ आप इसको अलग लिख लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। तो 240 रुपए इंटू 100, हानि हमारी 80% की हुई थी। ठीक है, एक जीरो इसका कट गया, एक जीरो इसका कट गया। 8 × 1 = 8, 3 = 24 होता है। अब हमारा जो 300 रुपए आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 300 रुपए होगा, जिसमें कि 240 रुपए बेचने पर हुई और उसमें हानि 20% हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए होगा। तो यहाँ पे हम आंसर पूरा लिख देते हैं। जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर लिखना भी जरूरी होता है। अगर हम आंसर लिख लेते हैं तो इसमें भी वन नंबर होता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे 300 रुपए है उस वस्तु का मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अगर समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, एंड ऐसी इजी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।